शुरुआत करते हैं नोएडा की खबर के साथ, जहां पर सेक्टर 121 में बीती रात अजनारा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होम्स 121 के निवेशकों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। बायर्स का ये प्रदर्शन बिल्डर के खिलाफ था। निवेशकों का आरोप है कि बिल्डर मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी नहीं दे पा रहा है और जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है, जबकि बिल्डर्स ने 2 साल का मेंटेनेंस चार्ज पहले ही जमा करा लिया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने निवेशकों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। तो कहीं पर पोजीशन नहीं मिल रहा है, कहीं पोजीशन मिलने के बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। सोसाइटी में 2 साल से रह रहे हैं रेजिडेंट, आज समय में करीब 1000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और मेंटेनेंस चार्जेस, क्लब चार्जेस, बिजली चार्जेस इतना ज़्यादा लगा रखा है हमारे लोगों के ऊपर कि लोगों की हालत ख़राब है। उसको पेमेंट करते करते लोगों का बजट बिगड़ गया है। वैसे ही लोग इतनी महंगाई से त्रस्त हैं, उसके बाद अपना फ्लैट खरीद करके लोग सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी लोगों ने यहाँ पर हमारा जो बिल्डर है उसने परेशान कर रखा है लोगों को। हमने यहाँ पे अपनी तरफ से रेसिडेंट ने मिलकर सबने एक इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी कराई, क्योंकि हम लोगों को ये बहुत दिनों से लग रहा था कि बिजली में चोरी हो रही है और ये चोरी सिद्ध साबित हुई है ऑडिट में। हमारे यहाँ जो पावर फैक्टर दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, जबकि एक्चुअल में ऑडिट में निकल के आधे से भी कम आया, जिससे हमारा बिजली का बिल 2 से 2.5 गुना ज़्यादा आ रहा है। हम लोगों के लिए यहाँ रहते रहते करीब 2 साल हो गया है और हम लोग हर तरीके से, हर माध्यम से, बिल्डर से 1-to-1 ग्रुप में जैसा बिल्डर ने चाहा उस तरीके से हमने उनके साथ बातचीत करने का कोशिश किया, लेकिन बिल्डर ने कभी कोई भी बातें पूरी नहीं की। अब जैसे बिजली के बिल है, बिजली का बिल करीब हम लोग 2 साल से मांग रहे हैं इनसे, लेकिन ये बिजली का बिल ही नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, और ऊपर से 40% पैसा अलग से काटा जा रहा है। यहाँ पुरानी सोसाइटियों में रहते थे, सेम चीज़ें चलाते थे, तो हम लोग का बिल जैसे 4000 आता था, 3000 आता था, तो अब वो बिल 7000-8000 बिल आता है। लाख लाख से ज़्यादा रुपए ले लिए गए हैं और जो कि करीब 10 करोड़ हो जाते हैं। वो 10 करोड़ रुपए बिल्डर के पास है और पिछले 2 साल से उसने कोई भी हिसाब नहीं दिया कि वो 10 करोड़ उसने कहाँ खर्च किए हैं, हमारे लिए खर्च किए हैं या अपने किसी और प्रोजेक्ट में खर्च किए हैं। और अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। अमित, मुझे ये बताइए, कहीं बायर्स को पोजेशन नहीं मिलता है, उसके लिए वो बेहद परेशान है। अब यहाँ तो अजनारा में पोजेशन भी मिल चुका है लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। आखिर क्या कर रहे हैं बिल्डर्स और आप निवेशक क्या करें, क्योंकि वो तो उसी घर में रह रहे हैं जहां पे उन्होंने जिस घर को खरीदा था। ऐसे में उनकी क्या गलती है? बिल्डर्स ये कहें कि मनमानी उनकी रुकने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल श्वेता, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हो या नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जो निगरानी रखने की जिम्मेदारी है जिन अधिकारियों की, इन बिल्डरों के ऊपर, उनकी लापरवाही है जो बिल्डर इस तरीके से मनमानी करते हैं। ज्यादातर बिल्डर सोसाइटियों में जो सरकारी रेट है बिजली का, उसका डबल पैसा लिया जाता है, इस तरीके की शिकायत लगातार आती रहती है। और जो बिजली, अमित एक बात मुझे ये बताइए कि जब मूलभूत सुविधाएं हो जाती हैं, सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया जाता है, तभी कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे में कहें कि अथॉरिटी के लोग भी मिले हुए हैं, कैसे कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जब वहां पर तमाम इंतजाम पूरे ही नहीं होते? बिल्कुल श्वेता, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर बिना मूलभूत सुविधाओं के देखे हुए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, और कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो बिल्डरों ने बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लिए लोगों को बिना रजिस्ट्री किए वहां पर रहने के लिए ऑथराइज कर दिया। दोनों तरीके की बातें सामने आती हैं और ऐसे में पोजीशन देने के बाद जिन सुविधाओं का दावा देने के बिल्डर बात करते हैं, वो सुविधाएं निवेशकों को नहीं मिलती हैं। तमाम ऐसे बिल्डर हैं जिनकी शिकायत लगातार की जाती है, बावजूद उसके जो संबंधित अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते, और जो आम आदमी है जो वहां पैसा देकर अपना मकान खरीद रहा है वो इसी तरीके को पिसने को मजबूर है, कभी अनाप शनाप चार्ज दिया जाता है बिजली। अब अमित, सवाल तो यही होता है कि हर बार कार्रवाई की बात कही जाती है लेकिन शायद अगर कार्रवाई हो रही होती तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।